हेलो दोस्तों, धनश्री अकेडमी से मैं निमिश सर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है? गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है विनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लास्ट और आखिरी तक बने रहे। यदि आपने पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चलिए शुरुआत करते हैं, आज के आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट और आखिरी तक बने रहे। विनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। बेसिकली विनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड ये मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स, तो इसके ऊपर ही इनका काम है। उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली मेन इनके प्रोडक्ट्स है पाइप्स एंड ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील्स पाइप्स एंड ट्यूब्स, इसके ऊपर इनका कारोबार चल रहा है। विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का बूज लोकेटेड बचा हुआ हाईवे के पास धनंती कच गुजरात में इनका प्लांट है, जहां से ये ऑपरेट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। काफ़ी बड़ी कैपेसिटी भी है इनकी, पर एनम बहुत बड़ी कैपेसिटी है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट करते हैं 18 कंट्री में, इंक्लूडिंग ब्राज़ील, द यूके, इज़राइल एंड अदर कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा। तो ऐसे काफ़ी कंट्री में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। स्ट्रेंथ इनकी देख लेते हैं तो बेसिकली स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, मल्टीफोल्ड डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स, ऐसा वो कह रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीम है, तो ये सारी चीज़ें इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल देख लेते हैं, फाइनेंशियल इनका अच्छा खासा एसेट बढ़ रहा है। आप देखोगे टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर नोट करेंगे, बाकी फाइनेंशियल तो अच्छा ही है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू तो जनरल टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो हमेशा रहती है हर एक कंपनी का। और दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस, वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए ये ऑब्जेक्टिव फॉर दिस इश्यू है। अब कब ओपन होने जा रहा है, तो 11 मई को ओपन हो रहा है, 11 से 13 मई ये ओपन होगा, तो क्लोज होगा 13 मई को। 10 रुपया प्रति शेयर है प्राइस इसकी, देख लेते हैं आगे 310 से लेके 326 के आसपास है, 46 शेयर है। ये सारा इन्फॉर्मेशन BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग होगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। HNI है, रिटेलर है, QIB है, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। अब फिर से एक बार इवेंट देख लेते हैं, तो विनस पाइप एंड ट्यूब्स IPO ओपनिंग डेट है 11 मई को और क्लोज होगा 13 मई के आसपास क्लोज होगा। बेसिक अलॉटमेंट सबका होगा 19 मई के आसपास, इनिशियल रिफंड आपको मिलेंगे 20 मई के आसपास, क्रेडिट ऑफ शेयर आपके डिमेट में होंगे 23 मई के आसपास, डिमेट में क्रेडिट हो जाएगा और 24 मई को लिस्टिंग होगा। तो 24 मई के आसपास ये लिस्टिंग होगा। अभी मिनिमम लॉट 46 शेयर का आपको आएगा और मैक्सिमम लॉट जो है वो 598 शेयर का आएगा, यानी कि 1,94,000 के आसपास, और एक लॉट आपको आएगा 14,996, मतलब 15,000 के आसपास एक लॉट आएगा और 13 लॉट आएगा 1,95,000 के आसपास। तो ये मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पर कर पाओ। तो गाइस, ये पूरा हमने देखा विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। अब काफ़ी लोगों के प्रश्न रहते हैं कि सर ये IPO में इन्वेस्ट करें या है? तो मेरा खुद का मत है कि मुझे इसमें कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है लिस्टिंग गेन की सबसे, लेकिन आप अपने कोई भी ट्रेड लेने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा ज़रूर करें और फिर ही अपना डिसीजन लें। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप शेयर बाजार में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाजार में आगे बढ़िए, बिकॉज बाजार में जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। यही है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।